हेलो दोस्तों नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते तो आज के ब्लॉग एकदम ही अस बढ़िया होने वाले हैं तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा के हार्दिक मंगलमय शुभकामना माँ दुर्गा सभी के जीवन में शांति हर्ष उल्लास प्रदान करे फिर से आप लोगों को सभी को आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं के साथ मैं इस ब्लॉग को शुरू करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग आज के ब्लॉग में आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है और मैंने एक ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग भी शुरू किया हुआ है किस तरीक़ा से ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग हम लोग करते हैं या करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा आज के वीडियो में लेके आया हूँ तो स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ सिखाने जा रहा हूँ तो आप लोग इस वीडियो में आए हुए हैं तो आप, आप लोग अंत तक ज़रूर देखें आप लोग भी कुछ पढ़ लिख ऐसे बैठे बैठे हुए हैं कुछ आप लोग का अनएम्प्लॉयमेंट है तो मैं आज जैसे कि मेरे मेरे तरह में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट ही हो कुछ आ, अभी तक कुछ सर्विस नहीं है तो इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ तो करना एकदम ज़रूरी है तो इसके लिए मैंने ऑस्टर मशरूम फार्मिंग सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया सरदार है तो इसके लिए मैंने वो आ, मैंने वो चुना है तो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ऑस्टर मशरूम हारम कैसे करते हैं देर ना करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेके आप लोगों को लेके आया हूँ यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे मैंने एक टैंकी बनाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं इस टैंकी को आप लोग यहाँ पे दस बाय सिक्स टेन बाई सिक्स का टैंकी है ये और सबसे पहले हम लोगों को एक्स्ट्रा मशरूम फार्मिंग के लिए हम लोग को इस टैंकी का बहुत अत्यंत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस टेंकी है इस टेंकी में हम लोग को जो पॉल होते हैं उस पॉल को हम लोग यहाँ पर भिगोना पड़ते हैं तो इसके लिए ये टेंकी का सबसे पहले एकदम ही इम्पोर्टेंट है आवश्यकता है तो इस यहाँ पे मैंने एक हुक जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं यहाँ हुक है और वहाँ पर वहाँ पर भी एक हुक है और इसी तरह उस जगह पे भी हुक है उस जगह पे भी हुक है आप लोग सोच सोचते होंगे कि क्या किस लिए बनाया हुआ है इस हुक को तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं बता बताऊँगा कि इस टेन बाई सिक्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जगह पर यहाँ पे एक बोरी और दो बोरी हम लोग पुआल को काट करके बोरी में भरते हैं जो कि आलू का या प्याज का जो बोरी मिलते हैं उस बोरी में हम लोग भर कर भर करके खेर को भी हम लोग जो पुआल को भी यहाँ पे भर करके यहाँ पे ऐसे यहाँ एक जैसे कि यहाँ पे एक बोरी और वहाँ पे एक बोरी दो बोरी ऐसे ये ये यह टैंक आपका लगभग बत्तीस बोरी यहाँ पर जाएगा बत्तीस से चालीस बोरी के अंदर ही यहाँ जाएगा और जब हम लोग पानी भर करके जब हम लोग बोरी यहाँ पे डालते हैं तो उसके लिए बोरी ऊपर ना आए इसके लिए हम लोग यहाँ से इस हुक से इस हुक से लेकर के और उस हुक तक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बम्बू लगा देते हैं और यहाँ से भी एक बंबू बम्बू लगा देते हैं क्योंकि इस तरीका से बोरी आते हैं इस तरीका से बोरी आते हैं तो यहाँ पे इसे बम्बू डाल देने से क्या होता है इस बो जो बोरी होता है जो बोरी पानी से जो ऊपर उठा देते हैं उस बोरी को ऊपर नहीं उठाए इसीलिए हम लोग यहाँ पे बम्बू लगाते हैं सबसे पहले मशरूम फार्मिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम लोगों को ये टैंक बनाना अत्यंत जरूरी है और इस टैंक में एक जो कि पानी जो हम लोग आ, जब भिगोते हैं तो उसके लिए हम लोग आ, पानी आउट के लिए जब हम लोग पानी भरते हैं तो उसको फेंकना भी जरूरी है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और वहाँ पे एक हम लोग छेद रखा हुआ है आप लोग को दिखाते इस इस तरह जा करके के यहाँ पे एक छेद है यहाँ पे यहाँ से पानी आउट होगा और वहाँ भी एक छेद है जो कि हम लोग चौबीस घंटा यहाँ पे जो कि पॉल को हम लोग भिज भिगो करके इस पानी को हम लोग फेंक देते हैं तो हम लोग ध्यान रखिए इस पानी किसी भी बाली में ना पड़े क्योंकि इस पानी में हम लोग चूना और ब्लीचिंग पाउडर इस ये वगैरह हम लोग मिक्स करके भिगोते हैं इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको नाली में नाली से एकदम बाहर जाए इससे जगह में हम लोगों को इस टेंकी को बनाना जरूरी है तो ये रहा टेंकी और हम लोग जाएंगे अभी घर के तरफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कि पुआल को काट करके कवर करके रख दिया है जो ढक करके रख दिया क्योंकि यहाँ पे यदि बारिश आए तो बारिश से ना भीगे इसलिए इसको हम लोग ने आ, मैंने ढक करके रखा है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह का होता है यहाँ पे बोरी आ, ये रहा इस तरह का होता है इस प्रकार से हम लोग पुआल को काट करके यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है बहुत सारा है यहाँ पे ऐसे सिक्सटी फाइव बोरी हम लोग ने यहाँ पे काट करके रखा हुआ है और ये रहा हाउस जो कि इसके अंदर हम लोग मशरूम को हम लोग फर्टिलाइज करते हैं अभी मैंने जो कि चूना लगा करके इस जगह को मैंने कुछ साफ सफाई किया हुआ है तो यहाँ पे आ, इस जगह पर के इस जगह पर आ, जो कि फर्टिलाइज़ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बम्बू है या वहाँ पे एक बम्बो ऊपर टीन का घर है इसीलिए मैंने कुछ कार्टून लगा लगा दिया है और इस तरफ तरह देख सकते हैं इस ब्लैंकेट भी मैंने लगा दिया है कुछ सन प्रोटेक्शन के लिए अभी तो ठंडा मौसम आने वाले तो इसलिए कोई कुछ, कुछ टेंशन का बात नहीं है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस यहाँ पे एक रस्सी है जो कि हम लोग यहाँ पे जो हैंगिंग करना पड़ता है इसलिए इस रस्सी को हम लोग अभी तो मैंने ऐसे सब इकट्ठा करके बांध दिया है जब हम लोग इसको लगाते हैं तब तो इसको खोल करके एक एक, एक करके हम लोग इसको यहाँ पर डालना पड़ता है तो इस तरीका से हम लोग मशरूम खेती को हम लोग करते हैं तो शायद आप लोग बोरिंग हो चुके हैं देख करके तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जो जबकि जो कि हम लोग इसको कैसे हैंगिंग करता है और किस प्रकार से इस रस्सा को इस रस्सी को हम लोग ऊपर हैंगिंग कराते हैं तो इस वीडियो को मैं आप लोगों को आगे आगे के वीडियो में इस टॉपिक को आगे के वीडियो में आप लोगों को जरूर लेके के आऊँगा आप लोगों के पास लेके कर आऊँगा रस्सी किस तरीके से फंसाते है और किस प्रकार से हम लोग उसको जो कि सिलेंडर बोलते हैं मशरूम जो कि उसको हम लोग यहाँ पर लटकाते हैं हैंगिंग करते हैं तो उस वीडियो को मैं अगले आगे के वीडियो में लेके आऊँगा तो इस वीडियो बस इतना ही और आगे मैं मशरूम के खेती के विषय में और आगे भी मैं बहुत सारा जानकारी आप लोगों लोग के समक्ष लेके आने के प्रयास करूंगा और आप लोग यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे भी आप लोगों को खेती रिले से रिलेटेड मशरूम से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे तो मैंने आप लोगों को दिखा है जो कि मशरूम का खेती के विषय में कुछ आप लोगों के समक्ष मैंने लेके आया तो आगे भी आगे भी मैं ऐसे ही मशरूम के मशरूम की खेती के रिलेटेड खे, खेती से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ तो ये तो एकदम ही बेसिक है ये सबसे पहले का जो स्टेप है मैंने दिखाया और भी बहुत सारा स्टेप है जो कि हम लोगों को करना पड़ता है तो इसलिए आप लोग यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि वीडियो के अच्छा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए आप लोगों का ख्याल रखिए जय हिंद वंदे महातर